श्लोक इस प्रकार है। आद्योवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदा सन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराष्ट्रस्नु चरिष्णु भुम्नः आद्योवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराष्ट्रस्नु चरिष्णु भुम्नः आद्योवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराष्ट्रस्नु चरिष्णु भुम्नः। आद्योवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराष्ट्र साधु चरिष्णु भुम्ना। आद्योवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराष्ट्रस्नु चरिष्णु भुम्ना। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य वाइस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्द का अर्थ इस प्रकार है। आद्यः प्रथम, अवतारः अवतार, पुरुषः कारणान्नवसाई विष्णु, परस्य भगवान का, कालः काल समय, स्वभावः आकाश सत फल, असत कारण, मनः मन, च धी द्रव्यं तत्व, विकारः भौतिक अहंकार, गुणः प्रकृति के गुण, इंद्रियाणि इंद्रियां, विराट पूर्ण शरीर, स्वराट गर्भोदकसाई विष्णु, स्थास्नु अचर, चरिष्णु चर, भुम्नः भगवान का। अनुवाद इस प्रकार है। कारणान्नवसाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। वे सनातन काल आकाश कार्य कारण मन तत्वों भौतिक अहंकार प्रकृति के गुणों इंद्रियों भगवान के विराट रूप गर्भोदकसाई विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तात्पर्य, इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह भौतिक सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक प्राकृत्य उन बद्ध जीवों को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। वजह इसके वे नकली ईश्वर के रूप में खुद भोग करना चाहते। सारे जीव वैधानिक रूप से भगवान के सनातन सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते। अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। यह भ्रम कहलाता है, क्योंकि ये माया के चंगुल में
फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते, यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। जैसे मोहग्रस्त जीवों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार ले। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यः। अतएव इस अस्थाई भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणोत्तर साई विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थाई देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। यह कारणान्वसाई विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके सौ इच्छातः भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जगृहे पौरुषं रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। वे अवयव हैं काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतः क्रिया करने वाले गुण सतो रजो तथा तमो, फिर इंद्रियां तथा उनका आगार स्रोत विराट विश्वरूप जो गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार हैं तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततोत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं। भौतिक सृष्टि में यह पहला अवतार कारणान्वसाई विष्णु के रूप में है जो आदि भगवान कृष्ण के पूर्णांश है, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में 5.48 में इस प्रकार हुआ है। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणान्वसाई विष्णु के श्वासोच्छ्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं पञ्चजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी तक हम देखें स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 40-41 में हम देखें कि भगवान का जो गुण है उसके बारे में देवीनंदन प्रभु जी कल और परसों चर्चा कर रहे थे कि भगवान का क्या क्या गुण है। तो ये अध्याय का शीर्षक है पुरुष सूक्ति की पुष्टि। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में ये
कथोपकथन चल रहा है, उसमें बता रहे हैं कि भगवान कितना महान है, उनका क्या क्या गुण है, वो सब बहुत 40 और 41 में बता रहे हैं। और 42 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि आद्योवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट शास्नु चरिष्णु भुवनः। इसमें कारण कारणान्वसायी विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। ये कारणान्वसायी विष्णु जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि भगवान का जो अवतार है, भगवान का अनंत अवतार है। उसमें से भागवतम में कुछ 24 अवतारों का लिस्ट है, लेकिन भगवान का अवतार अनंत अवतार है। तो उसमें से और कितने प्रकार का भी अवतार है, 6 प्रकार का अवतार है, जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, युगा अवतार, मनवंतर अवतार, ये 6 प्रकार का अवतार है। पुरुष अवतार में ये जो 3 पुरुष जो विष्णु, कारणोदगसाई विष्णु, गर्भोदगसाई विष्णु और शिरोदगसाई विष्णु, ये 3 पुरुष अवतार है। और लीला अवतार में भगवान लीला करने के लिए अनेक एक प्रकार का अवतार लेते हैं। और गुणावतार, भगवान का गुणावतार है, 3 प्रकार का जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का अधिष्ठाता जो है, 3 प्रकार का अवतार लेते हैं भगवान। भगवान खुद ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु तो ही और शिव जी भी खुद बनते हैं। तो ये गुणावतार है। वैसे ही सत्यावेश अवतार, भगवान कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए अपना शक्ति को प्रदान करते हैं किसी ये को, तो वो उनके उसी कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे व्यास देव जी वो लिखने के लिए, शास्त्र लिखने के लिए उनको शक्ति दी गई, तो वो सत्यावेश अवतार। और मनवंतर अवतार, जो ब्रह्मा जी के शासन काल में जो मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं पूरा ब्रह्मा जी का 100 साल में, तो हर मनवंतर में भगवान ने अवतार लेते हैं, उसको मनवंतर अवतार कहा जाता है। और युगावतार, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर, कली, हर युग में। जैसे सत्ययुग में हम बोलते हैं भगवान त्रियुगी, भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, 3 युगों में वो अवतार लेते हैं। कलयुग में उनका अवतार नहीं है बताया जाता है, वो अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार का रंग, जैसे श्वेत सत्ययुग में हंसा अवतार हुआ श्वेत, और पीत ये लाल रंग का भी, जैसे यज्ञ वो लाल रंग का, और पीत जैसे चैतन्य महाप्रभु जो येलो इस उस अवतार है उस कलर का। ऐसे ही भगवान को अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार का अवतार लेते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान का जो पुरुष अवतार है उसके बारे में, जो कारणान्वसायी विष्णु वो एक अवतार है, पुरुष अवतार का जो 3 अवतार है, कारणोदगसाई विष्णु, गर्भोदगसाई विष्णु और शिरोदगसाई विष्णु, ये 3 पुरुष अवतार है। और उसमें बोलते हैं कि कारणान्वसायी विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। हम जानते हैं कि जब सृष्टि होता है, भगवान कृष्ण पहले से ही है। भगवान चतुश्लोकी भागवत में बोलते हैं कि अहम एव समयवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चाद् अहं यद्यत् तच्चा यो अवशिष्येत स्वस्मि अहम्। बोलते हैं कि अहम एव समयवाग्रे, मैं सबसे पहले मैं ही था, जब सृष्टि नहीं था, कुछ नहीं था, सबसे पहले भगवान थे, भगवान कृष्ण। अहम एव समयवाग्रे, सबसे पहले मैं ही था। तो कोई प्रश्न करता है तो फिर भगवान कहाँ से आए, कुछ कुछ लोग प्रश्न करते हैं। वो भगवान का कुछ आदि नहीं, कुछ अंत नहीं, भगवान सबसे पुराना है, स्टार्टिंग भगवान से ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन भगवान कहाँ से आते हैं,
उसका कोई कोई किसी को अंदाज कुछ कोई अंदाज नहीं लगा सकते। भगवान पहले से ही है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान जब चाहते हैं सृष्टि करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं विष्णु में। एक पहले एक कारण बक्सा है विष्णु, वो पहले पहले तो क्या होता है, जो ये जगत है पूरा आध्यात्मिक जगत, वो सबको पता है कि आध्यात्मिक जगत जो है तीन भाग है और भक्ति जगत एक भाग। वो आध्यात्मिक जगत में एक कोने पे एक बादल जैसा मेघ खंड जैसा एक दिखता है काला सा, तो वहां पर क्या होता है उसको महत्व तत्व कहा जाता है। वहां पर भगवान अपने आप को विस्तार करके ये जो कारण दशाई विष्णु के रूप में आके उस मेघखंड के जो इस छोटे से एरिया है उसमें आके पानी भरा हुआ रहता है और उस वहां पर शयन करते हैं। पानी भरा हुआ रहता है मतलब उसको कारण सागर कहा जाता है, और वहां पर भगवान कारण दशाई विष्णु वहां पर आके शयन करते हैं। और उनका लोम कुप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलती है, उनका श्वास से और उनका लोम कुप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलती है। और वो वैसे ही जैसे समुन्द्र में फुटबॉल तैरता रहता है, वैसे ही वो समुन्द्र वो कारण सागर में वैसे ही तैरता रहता है अनंत कोटि ब्रह्मांड। और भगवान ने एक निश्वास एक सांस छोड़े हैं और सांस छोड़े हैं और सब ब्रह्मांड निकला हुआ है। और वो सांस जब वो लेंगे अंदर, वो कब लेंगे ना, जब ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाएगा तब सांस वो अपने अंदर ले लेंगे, पूरा सबको मिटा के अंदर ले लेंगे, फिर अंदर चले जाएंगे सब लोग। देखिए भगवान का एक सांस का ड्यूरेशन कितना कितना समय है, ब्रह्मा जी का 100 साल, ब्रह्मा जी का एक दिन जो है जो सत्य तृतीय द्वापर कली जो चार युगा चतुर्युग वो 71 बार 71 टाइम चक्कर काटता है तो एक मनु आते हैं, वैसे ही 14 मनु आते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वैसे ही एक महीना और एक साल उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक साल, वैसे ही ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। और भगवान ने एक सांस छोड़े हैं और ब्रह्मा जी का 100 साल तक वो रहता है और 100 साल के बाद उसको फिर अंदर लेते हैं। हम तो एक ही सेकंड में हम कितने बार ले लेते हैं सांस, भगवान ने कितना समय तक अपना सांस रखे रहते हैं उसमें, इसमें इसमें से पता चलता है भगवान कितना महान है और उनका समय का कैलकुलेशन कितना बड़ा है। और वहां पर कारण दशाई विष्णु आगे शयन करते हैं, ब्रह्मा सब ब्रह्मांड निकलती है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कारण दशाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है, तो डेफिनेटली ये प्रथम अवतार है भगवान का। भगवान जब सृष्टि करना चाहते हैं तो आप प्रथम अपने आप को कारणावसायी विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, ये प्रथम अवतार है। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो ब्रह्मांड तो बन गया, फिर उसी ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने फिर दूसरा विस्तार करते हैं, गर्भोदकसायी विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हर ब्रह्मांड में प्रवेश करके वो ब्रह्मांड को आधा तक अपने पसीने से भर देते हैं और वहां पर वो जाके अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा करते रहते हैं। और उनका नाभि कमल से नाभि से कमल आता है, वहां पर ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है। ब्रह्मा जी आके फिर वो भगवान ने उनको ज्ञान देते हैं, पहले तो ब्रह्मा जी आके बोलते हैं कि मैं कहाँ आ गया, वो ढूंढते रहते हैं मेरा स्रोत कहाँ क्या है, मैं कहाँ से आया। वो जो पद्म उनका नाड़ी जो है उसके अंदर जाते हैं, कितना हजार साल जाके ढूंढते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं, बाहर पानी पानी है। तो फिर वो उनको दो शब्द सुनाई देता है, तप करके सुनाई देते हैं, वो फिर वो समझ जाते हैं, तपस्या करते हैं। बाद में तपस्या करते हैं तो फिर भगवान का दर्शन होता है, भगवान ने उनको प्रेरणा देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि आप सृष्टि करो। तो फिर बोलते हैं कि मैं सृष्टि करूंगा, तो फिर कुछ तो चाहिए, कैसे मैं सृष्टि करूं, तो भगवान बोलते हैं मैं सब कुछ जुगाड़ करके देता हूं, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है भगवान ने सब कुछ देते हैं। तो जो सर्ग कहा जाता है जो भगवान का सृष्टि, भगवान ने सब कुछ अरेंज करके देते हैं। और विसर्ग जो ब्रह्मा जी ने जो उसको लेके
सृष्टि करते हैं तो उसको विसर्ग कहा जाता है, सेकेंडरी क्रिएशन। तो इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी के थ्रू सब कुछ सृष्टि कर रहे हैं। तो वहां पर बोलते हैं कि ये जो फिर बोलते हैं कि गर्भोदगसाय विष्णु समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। भगवान जो गर्भोदगसाय विष्णु उनके उनसे ही ब्रह्मा जी आके ये सब करते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, और एक ये जो सृष्टि तो ब्रह्मा जी कर दिए लेकिन वो कुछ हिलता डुलता नहीं, वो कुछ कार्य नहीं कर रहा था, ऐसे ही फिक्स रह रहा था। तो फिर भगवान ने क्या किए, आपने आपको फिर कारण ये शिरोदगसाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। वो हर जीव के अंदर, हर कण कण में विराजमान में, हर जीव के अंदर जाके उसको चलायमान करते हैं। ये तीन प्रकार का अवतार, ये तीन जो पुरुष अवतार है, तीन प्रकार का ये भगवान का अवतार है। ये इस पुरुष अवतार के माध्यम से भगवान ने पूरा सृष्टि को मेंटेन करते हैं, सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं और प्रलय भी कराते हैं। ये तीनों ये जो पुरुषावतार है, ये जो पुरुषावतार है ये सृष्टि करते हैं। अब चलिए गुणावतार जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और प्रलय भी कराते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। कि हम जानते हैं कि ये जो सृष्टि है भौतिक सृष्टि ये स्थायी नहीं है। मायावादी लोग बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। लेकिन हम जानते हैं जगत मिथ्या नहीं है, जगत है लेकिन ये टेम्पररी है, ये स्थायी नहीं है। जगत तो है, सत्य है लेकिन ये स्थायी नहीं है। ये कुछ भगवान जैसे खेलते हैं, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं वैसे ही भगवान खेल खेल में ये संसार को बनाते हैं। जैसे कि मकड़ी वो क्या करते हैं, अपने लाल से जो मुंह से निकालते हैं उसमें से वो उनका बनाता है घर, घर बनाते बनाते फिर लास्ट में फिर उसको ही खा लेता है। वैसे ही भगवान ने ये सृष्टि को बनाते हैं और फिर बनाते हैं और लास्ट में फिर अंदर ले लेते हैं सबको, सब कुछ ले लेते हैं अंदर। तो ऐसे ही इस संसार का वैसे ही सृष्टि हुआ है। और भगवान बोलते हैं ये संसार किसके लिए बना हुआ है ना, जे ये संसार है भौतिक सृष्टि, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थाई प्रदर्शन मात्र है। भगवान का शक्ति तो अनंत है, उसमें से ये जो भौतिक शक्ति का ये अस्थाई प्रदर्शन है, ये जो शक्ति उनका अनंत शक्ति है, उसमें से ये एक प्रकार का शक्ति है। ये जो भौतिक प्रकृति जो बनाए हैं, ये भौतिक प्रकृति उन बद्ध जीवों को सु अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रमाशक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। हम लोग एक्चुअली भगवान के धाम में हमारा जो जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब लोग भगवान के धाम में थे, भगवान का सेवा कर रहे थे। लेकिन वहां पर हमारा क्या हुआ कि हम स्वतंत्र भोग करने की इच्छा जब हुई, जब भगवान से हम बेस किए तो हमको क्या किया गया, भगवान ने एक चांस दिए बद्ध जीवों को कि ठीक है आपको स्वतंत्रता, स्वतंत्र भोग करने की इच्छा है, ठीक है। फिर वो क्या किए, सृष्टि बनाए, भौतिक जगत बनाए और उसमें डाल दिए कि आप जाओ भोग करो, देखो भोग करो। और जब वहां पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कभी फिर मैं मेरे धाम पे आ जाना। वो लोग जीवों को, बद्ध जीवों को एक क्या करते हैं, सु अवसर प्रदान करने के लिए एक सु अवसर देते हैं कि आप जाके देखो, आप स्वतंत्रता, स्वतंत्र भोग करने की जो इच्छा है आप जाके उसमें ट्राई करो। उसमें तो भोग तो है ही नहीं, क्योंकि भोग का जो भोक्ता है वो भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेशम महेश्वरम सुहृदम सर्वहूतानाम ज्ञानता मांग शांति में क्षति। भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में कि भोक्ता जो है मैं ही हूं, हम सब भोग्या हैं, हम सब उनको हेल्प करना चाहिए उनका भोग में। भगवान सब प्रकार का भोक्ता है लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को भोक्ता मानते हैं कि मुझे भी भोग करना है। इसके लिए हम द्वेष करते हैं, बोलते हैं ना
भगवान के साथ हमारा 36 का आंकड़ा हो जाता है, जो कल बोल रहे थे देवकुंदन प्रभु कि 36.3 और 6 तो उल्टा हो जाता है। जब उल्टा हो जाता है तो फिर हमको वही दुख भोगना पड़ता है इस संसार में। जब क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा तो फिर सीधा सीधा जब हो जाएगा हम 36 मतलब हम ज्यादा बड़ा समझते हैं अपने आप को। भगवान को छोटा समझते हैं, भगवान को 3 समझते हैं और हमको 6 समझते हैं। तभी हम हमारा प्रॉब्लम होता है। जब हम भगवान को 63 का हो जाएगा, भगवान 6, भगवान बड़े हो जाएंगे और हम छोटे हो जाएंगे, हम उनका सेवक बन जाएंगे, हम उनका दास बन जाएंगे, तभी हमारा हमारा उद्धार हो जाएगा। इसके लिए हम स्वतंत्र भोग करने की जो इच्छा है हमारा, इसके कारण हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारा जो नित्य स्वरूप है भगवान का सेवा करना, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमको इस संसार में डाल दिया गया, हमको एक सु अवसर दिया गया कि हम अपने कोशिश करते रहें। हम देखेंगे कोशिश करते करते इस संसार में जब पता चलेगा कि संसार में दुख ही दुख है, संसार में सुख है ही नहीं, जो असली आनंद हो वो तो भगवत धाम में, हमारा जो नित्य धाम है, जब हमको वो पता चल जाएगा तभी फिर हम भगवान के तरफ अपना भगवान के तरफ हम चलेंगे और भगवान को भक्ति करेंगे, भगवान का प्रेमा भक्ति में जुड़ेंगे, तभी फिर हम भगवान का धाम जाएंगे। ये एक चांस दिया जाता है कि बद्ध जीवों को उद्धार होने के लिए। इसलिए अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, बजाय इसके वे नकली ईश्वर के रूप में खुद भोग करना चाहता है। इन लोगों को भगवान के सेवा में या भगवान के धाम में जाने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो खुद भोग करना चाहते हैं। तो जब वो क्या बोलते हैं कि खुद को ईश्वर मानते हैं, वो कंट्रोलशिप का जो टेंडेंसी है वो तो है ही, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। भगवान बोलते हैं कि मम्मी भी अंश है, जीवो लोग जीव भूत सनातना मनोसंस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है, भगवान के अंश के होने के नाते हमको भी उसी प्रकार का टेंडेंसी है। भगवान भुक्ता है हम भी, और भगवान नियंता है, भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, भगवान ईश्वर है और हम भी अपने आप को ईश्वर समझते हैं। इसके कारण हम भोग करना चाहते हैं और इसके कारण हम फंस जाते हैं संसार में। 4-10% है तो सारे जीव वैधानिक रूप से भगवान के सनातन सेवक है, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते, अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया भ्रम का भोग करने दिया जाता है। इसे सबको पता है कि सब लोग भगवान का दास हैं, भगवान का सेवक हैं, लेकिन उसमें उनमें से कुछ लोग वो क्या करते हैं, अपने जो स्वतंत्रता मिला है हमको, हमको फ्री विल मिला है, हमको चूज करना है, हमको हम एक्चुअली जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है। भगवान का जो 3 प्रकार का शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, वो तटस्थ शक्ति है, जीव है वो तट पे खड़ा है, चाहे वो अपना चूज कर सकता है पसंद कौन सा साइड जाए, वो अंतरंगा शक्ति में जाए या बहिरंगा शक्ति में जाए। जैसे नदी के किनारे पे खड़ा है वो चाहे इस तरफ जाए या उस तरफ, इसके लिए वो खुद को चूज करना है। तो इसके लिए उनको क्या करना है कि उनको पसंद चूज करना है कौन सा साइड जाए, भगवान के तरफ जाए या ये भौतिक संसार में ऐसे ही फंसे रहें। अगर भगवान का अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर सेवा तो करना ही है, कोई बिना सेवा का नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकुत् कार्यत ही अवश्य कर्म सर्वं सर्वं प्रकृति जाई गुणे। सब जीवों को काम तो करना ही है, कर्तव्य तो करना ही है, कोई बिना कार्य का कोई नहीं रह सकता। इसके लिए सब अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते सेवा करते रहते हैं। अगर कोई भगवान का सेवा नहीं करेगा तो वो क्या करता है, अगर कोई गॉड का सेवा नहीं करता है तो डॉग का सेवा करता है। सेवा तो करना ही है, अगर भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो किसी का भी करना ही है उसको। इसलिए तो फिर भगवान का क्यों नहीं करें सेवा, वो क्या करते हैं, अगर भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो माया का सेवा करना पड़ेगा।
और माया का सेवा करके वो भ्रम का भोग करने दिया जाता है। वो माया का सेवा करता है और उसको वो भ्रम में है कि मैं भोग कर रहा हूँ। जैसे संसार में लोग क्या करते हैं कि हमको हम भोग कर रहे हैं, हम तो इंद्रिय भोग कर रहे हैं, हम आनंद में हैं, सुख में लोग लोग कहते रहते हैं, लेकिन असली सुख वो ही नहीं। क्योंकि संसार में जो सुख है वो सुख चालू होते ही खत्म हो जाता है। आद्यवंता कौनते न तेसु रमते बुद्धा, हाँ मात्र स्पर्शासु कौनते सुख दुखदा, आद्यंतवंत कौनते न तेसु रमते बुद्धा। ये क्या है, इंद्रिया इंद्रिया भोग का जो सुख है वो क्या करता है, तुरंत चालू होते ही खत्म हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि हम सुखी हैं, कोई ये संसार में भौतिक संसार में कोई सुखी नहीं है। असली सुख तो भगवत धाम में है, जब भगवत धाम जाएंगे वहां पर असली सुख मिलेगा। हम वहां पर जैसे कोई एक जगह पे कुछ खो दिया है और वो ढूंढ रहा है दूसरी जगह पे, वो कहाँ पे मिलेगा? उसको जहां पे खोया है वहां पर ढूंढेंगे तो ही मिल सकता है। इसके लिए हम अपना जो आनंद जो है असली आनंद वो भगवत धाम में है, वहां पर हम खो दिए हैं और यहाँ पर ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा। इसके लिए हमको अगर सुख में रहना है तो फिर भगवान का भक्ति करना है, भगवान का भजन करना है। वो क्या करता है, माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वो अपने को ही भोक्ता समझता है। ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह रह कर अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान ने बहुत चांस देते हैं उनको, जीव को बहुत चांस देते हैं कि ये कब मेरे तरफ देखें, मेरा भक्ति करें। भगवान तो जैसे बोलते हैं कि भगवान वैकुंठ के धाम में द्वार पे खड़े हैं हार लेके, कब मेरा भक्त, कब मेरा अंश जो है, मेरा संतान जो है वो कब आएगा मेरे धाम, तो वो उसको स्वागत करेंगे हार लेके खड़े हैं। वो हमेशा देखते रहते हैं कब मेरे तरफ देखें ये जीव। तो भगवान हमेशा चाहते हैं, और उसके साथ हर योनि में भगवान परमात्मा के रूप में उस जीव के साथ जाते हैं, हाँ उसके अंदर हृदय में रहते हैं कि उसको कब चांस मिल जाए और कब उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और मेरे तरफ देखें और भक्ति का मार्ग को अपनाए। वो हमेशा चाहते हैं कि वो मेरे धाम में आए, इस संसार से मुक्ति पा के मेरे धाम पे आए। इसके लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं और जीवों को बहुत प्रकार का चांस देते रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदेहि च सर्वे रहमेव वेद्यः, मतलब इस अस्थाई भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है। संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारण विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस प्रकार सरकारी कार्यों की अस्थाई देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसके लिए भगवान का ये सब भगवान का खेल है, भगवान खेल रहे हैं ये सब जो सृष्टि, उनका मन किया सृष्टि करना है तो तुरंत सृष्टि हो जाती है ना, उनका मन किया सृष्टि कर देते हैं और फिर वो समय ब्रह्मा जी का समय हो जाता है तो फिर अंदर ले लेते हैं। ये भगवान का खेल है। और बोलते हैं कि उस संबंध को जो जीव के साथ जो संबंध है उसको कैसे है, वो बोलते हैं कि वेदेश सर्वे रहम वेद, जो जीवों को बता रहे हैं कि वेद का जो सार है वो मैं ही हूं। आप ये जो वेद पढ़ रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, सबका सार मैं ही हूं, मैं ही सबका आराध्या हूं, मेरा ही सेवा करना है, मैं ही भोगता हूं। ये सब में बता रहे हैं कि मैं ही, सब लोग मेरा ही पूजा करना चाहिए, मेरा ही सेवा करना चाहिए। इसके माध्यम वेद के माध्यम से बता रहे हैं कि वेद का जो निचोड़ है, वेद का जो सार है मैं ही हूं। और वो क्या करते हैं, उसी तरह अवतरित होते हैं जो विष्णु, जो तीन विष्णु आते हैं वो इस तरह आते हैं। जैसे बोलते हैं कि जैसे सरकार किसी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करते हैं उसका जो देखरेख करने के लिए, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल करने के लिए मजिस्ट्रेट को नियुक्ति करते हैं, उसी तरह भगवान ने क्या करते हैं, अपना जो पुरुष अवतार है कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और शिरोदक साई विष्णु, उसी तरह उनको नियुक्त करते हैं, अपने आप को विस्तार करके
उनका देखभाल करने के लिए नियुक्त करते हैं, अपना सृष्टि करने के लिए। और श्रीमद भागवतम में प्रथम स्कंध में बता रहे हैं कि जगृहे पौरुषम रूपम, श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं, वो पहला स्कंध में तीसरा अध्याय और पहला नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदीदी संभुतं सोड़ सकलमादौ लोक शिश्रुक्षया, कि मैं अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए, यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो भगवान उस श्लोक में बता रहे हैं कि सृष्टि की कैसे प्रारंभ हुआ। पहले तो ये विराट पुरुष के अवतार, जो ये पुरुषावतार हुए, उसी के बारे में बता रहे हैं। मैं जो बताया पहले कि पहला स्कंध का तीसरा अध्याय का पहला नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि मैंने सब कुछ भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट कर दी, सब इंग्रेडिएंट्स जुगाड़ कर दिए और ब्रह्मा जी ने उसको लेकर आगे का सृष्टि कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं वो पहला स्कंध। और श्रीमद भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव हैं काल आकाश कारण। हाँ, बोलते हैं कि ये जो समय, ये जो भगवान ने जो अवतार खेल खेल में जो समय बिताते हैं, जो समय, जो ब्रह्मा जी का समय है, उसको कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन उसको कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन उसको कल्प कहा जाता है। और जो सृष्टि का जो प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन में एक प्रलय होता है, उसको एक प्रलय कहते हैं। और ब्रह्मा जी का 100 साल में दूसरा प्रलय होता है, उसको महाप्रलय कहा जाता है। तो ये जो दूसरा जो प्रलय होता है, महाप्रलय, उसमें सब कुछ भगवान के अंदर चला जाता है। भगवान जैसे छोड़े हैं सब कुछ, सब ब्रह्मांड को क्रिएट किए हैं, जब ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाता है, पूरा सृष्टि को अपने अंदर ले लेते हैं। इसको महाकल्प कहा जाता है, महाप्रलय कहा जाता है। गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार हैं तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार में से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततोगत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं और उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। बोलते हैं कि ये जो सब कुछ क्रिएट हो रहा है सृष्टि, और सृष्टि हो रहा है, उनका मेंटेन हो रहा है, उसका प्रलय हो रहा है, ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में हो रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान ने सृष्टि कर दिए और कुछ उनका नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर, नहीं। सब कुछ जो कुछ हो रहा है, सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है। बोलते हैं कि भगवान का अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, भगवान का बिना अनुमति का। तो जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान के इच्छा से ही हो रहा है, भगवान का। जैसे बोलते हैं कुछ अगर कुछ कार्य करने जाते हैं तो उसके लिए भगवान का अनुमति बहुत जरूरी है। आपका शरीर से इंद्रियों से अपना चेष्टा लगाते हैं, अपना चेष्टा करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी अगर भगवान का परमिशन नहीं है तो कार्य सफल नहीं हो पाता है, कार्य हो नहीं रहा है, होता ही नहीं। इसके लिए भगवान का बिना परमिशन का कुछ नहीं होता है। और सब कुछ जो भगवान के अधीन में सब कुछ हो रहा है, ये जो माया जो कार्य करती है भौतिक जगत में, वो माया भगवान के अंडर में रह के ही करती है। भगवान बोलते हैं कि माया अध्यक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचर हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तित है। तो ये जो माया जो कर रही है वो मेरे अधीन में रहकर ही कर रही है, ये स्वतंत्र नहीं है। और सब कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, उनको जस्ट कुछ स्वतंत्रता, कुछ फ्री विल मिला हुआ है। जैसे एक बैल को एक बड़ा रस्सी में बांध देते हैं, एक लकड़ी डाल के, लकड़ी को गाड़ के उसमें बांध देते हैं, वो बैल उसी जितना रस्सी हम फैला के बांधे हैं उसी का डाया में वो घूमेगा, उससे आगे नहीं जाता है।
वैसे ही हमको जितना थोड़ा सा भी स्वतंत्रता मिला है हम उसी का ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम स्वतंत्रता नहीं है हमारे पास। हम केवल सोच सकते हैं लेकिन कार्य हम खाली कर्म कर सकते हैं, जो फल जो है वो भगवान के ऊपर है, भगवान ही दे सकते हैं क्या कौन सा आपको किस प्रकार का फल मिलेगा। इसके लिए हमारा जो फ्री विल है उसको हम अगर भगवान के भक्ति में लगाएं तो फिर हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो अगर उसी को भौतिक संसार में अपने इंद्रियों को भोग करने के लिए हम लगाएंगे तो फिर हम इस संसार में फंस जाएंगे। इसके लिए ये जो बोलते हैं कि गुड यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग, हमको जो ये जो गलत सौदा हो गया है, हमको जो इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमारा जन्म हो गया है तो हम इसको ये जो इस जन्म मृत्यु चक्कर से हमको निकलना है। हम एक बार जन्म हो गए हैं तो कैसे इधर से निकलना है, भगवान का धाम जाना है, हमको इससे गुड यूज करना है बैड बार्गेनिंग को। इसके लिए हम अपना फ्री विल को भगवान के सेवा में, भगवान का भक्ति में, इस संसार में कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, भगवान का धाम जा सकते हैं, उसके लिए हमको इसको लगाना चाहिए, हमको भक्ति करना चाहिए। मतलब भौतिक सृष्टि में यह पहला अवतार करणानवसाई विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान कृष्ण के पूर्णांग से, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है, यस्य सिका निश्चय सितकाल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथ विष्णुन महान सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हाँ, ये सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु करणानवसाई विष्णु के श्वासोच्छ्वास की अवधि तक ही रहते हैं, ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांग से है। ये वही बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है कि भगवान जो करणानवसाई विष्णु वो क्या कहते हैं, वही सो आखिर कारण सागर में सोते हैं, उनके लोम कुप से जो ब्रह्मांड आते हैं वो क्या कहते हैं, वो कितना समय रहता है ना, एक निश्वास, यस्वै का निश्वास इतकाल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथ। तो वो जो ब्रह्मांड आती है उसका अवधि क्या होता है ना, ब्रह्मा जी का भगवान का एक श्वास छोड़े हैं और वो लेंगे अंदर, वो उतना समय है ये ब्रह्मांड का आयु। तो ये करणानवसाई विष्णु इतना महान है तो वो एक श्वास के ऊपर निर्भर करता है ये जो ब्रह्मांड का आयु। और इसी प्रकार भगवान ने सृष्टि करते हैं और ये आदि भगवान कृष्ण ही गोविंद के केवल पूर्णांग से हैं, ये भगवान का पूर्णांग से हैं। ये भगवान इस सृष्टि को एक सांस के ऊपर, एक जो सांस के ऊपर पूरा ब्रह्मांड का समय निर्भर करते हैं। इसके लिए भगवान कितना महान है, भगवान को ही हमको उनका ही सेवा करना है, उनका ही भक्ति करना है, करेंगे तो ही हम उद्धार पा सकते हैं संसार से। इसके लिए सबको भगवान का गुणगान या भगवान का भक्ति में लगा रहना चाहिए। हाँ, ये श्लोक में वही बता रहे हैं कि करणानवसाई विष्णु जो कारण सागर में शयन करते रहते हैं, वो भगवान का जो अवतार है पुरुषावतार, उसमें से ये कारण सागर करणानवसाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है, उसके बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। और उसमें से कैसे ये सब बन रहा है, सृष्टि आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर ये उनका चर्चा हो रहा है, उसके ऊपर ये श्लोक बता रहे हैं। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी का जय, हरे कृष्ण।